हे मैं सना, ये है मेरी कहानी, मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे। किसने फार्मेसी क्लास का है? अरे फर्स्ट डे भी क्लास करेगी, बैठ जाना, पता लग ही जाएगा बाद में। हेलो, आई एम राहुल फ्रॉम चंडीगढ़। कहाँ से हो? कॉलेज लाइफ वॉज एक्साइटिंग एंड आफ्टर सिक्स मंथ्स बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई थी, दोस्ती हो रही थी, ग्रुप्स बन रहे थे। और भाई क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, वही थिएटर की स्क्रिप्ट, बस यही करता रही। पढ़ाई वढ़ाई भी कर ले कुछ यार, कुछ मत यार क्या कर ले। अरे यार वो देखना कितनी क्यूट एंड इनोसेंट बंदी जा रही है। कहाँ यार, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें? Do you know anybody who's good at graphics? Look there, he's Arav. He's genius, he can help you. Are you sure? Yeah, I think so. Should I approach him? Yeah. Excuse me? Yes? Could you please help me with computer graphics? Sure. Kya problem? Yaar, isme pata nahi kya hai, kuch bhi nahi ho raha hai. I mean, some header files are missing. I'm not able to find the problem. That's it? It's safe. Yeah, it's safe. Kaise ho tum? I'm from Chandigarh. And you? I'm from Lucknow. Lucknow? Kebab. Dekho, delicious kebab. Chandigarh ke log intelligent bhi hote hain, mujhe aaj pata chala. Oh, we are intelligent yaar. Come on, mera program run karke dekhao. Swell, believe you. Just a sec. Here you go. Wow, this wasn't running. बस क्रीट, यू आर सीरियसली अ जीनियस। थैंक यू। सी यू सून। या शर। बाय। 17:40 रॉन्ग, मुझे प्रेशन कंप्लीट करके ही जाना है। सर यार एग्जाम सारे लिखा कुछ समझाए सर प्लीज। तू लिखा ने सब पढ़ रखा है, वो तो यही कहेगी चलो चलो बस। नहीं मैं चलूँ कितना पढ़ूंगी यार, यार मैं ये कंप्लीट करके हॉस्टल आ रही हूँ। ये कब कोई मेरा बच्चा? ओके, कुछ और भी रीजन हो सकता है। कोई रीजन नहीं है यार, कर दे। ये क्वेश्चन तुम करते लागे मुझे दे रहे हो, मेरे पेन का क्या कर रहे हो? मैं जानता मैं नहीं था। मेरे पेन का क्या यार, मेरे बैग तो दे दो। क्या कैलकुलेट कर रही हो? 17 × 4 जा, तुम्हें तो आता नहीं है, कैलसी से ही निकाल लूं। सो आपके समय आया क्लास में? मुझे तो रोज आता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ लगा रहता है? क्यों तो यार आजकल ध्यान ही नहीं रखते क्लास में, कहीं और ही ध्यान रहता है। कहाँ रहता है ध्यान? बस रहता है कहीं। पढ़ाई कर लो। क्लास में कितने आए थे? सबसे पहले कितने आए थे? 80। ऐसे क्यों जा रहे हैं ग्राफ? कहाँ जाके एंड होगा? तारिक। ओके। वाटर। वेट, आपके जूस। What? Guys, I'm fine. How's your enough? I'm fine. No, no, no. Take this. I'm fine. Please. Leave me. Please. छेड़ना क्या हुआ इसने? बदतमीजी करी भाई इसने मेरे को बता तू बस देख आगे से दूर रह ठीक है चल ठीक है चल।
बैकयार्ड में है यार प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं अरे उसे बोलना नहीं है प्रपोज नहीं करना अच्छा सना को प्रपोज करेंगे अबे यार वो क्या करेगा फट प्रपोज करेगा यार नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा अबे उसने 4 साल में नहीं बोला वेट करके बेचारी रहनी वो लड़की अब क्या बोलेगा चला चला हाय यहाँ क्यों बैठी हो यादें कैप्चर कर रही हूँ साथ ले जाने के लिए पुरानी यादें यादें हम बंक करके यहीं बैठा करते थे हाँ फर्स्ट ईयर में तो रोती थी बंक के नाम पे और फोर्थ ईयर में क्लास में से गायब जब देखो तो याद एक बार हम लोग कैफे में बंक करके बैठे थे सर ने मुझे देख लिया था और मुझे लैप करनी पड़ी थी सबको लगा था कि तूने कैंसिल करवा दी मास में सीरियसली से तेरा नाम मनीष ने दिया था शायद सच में वाओ कितनी जल्दी बता दिया सो यू आर गोइंग नाउ जर्मनी या गोल्डमैन सैक्स आई लकी यू आई नो वहां जाना तो हिटलर के कब्र के ऊपर मेरी भी कब्र बना दे कब्र के ऊपर कब्र नहीं बनती बाय द वे तुम क्यों मरने लगे तुम चली जाओगी बिकॉज़ आई लव यू अब तुम ये कहना कि मैं 4 साल से प्यार करता था राइट तुम्हें तो पता ही था कम ऑन प्रपोज नाम की भी कोई चीज होती है अब ये भी क्या मैं बताऊंगी ओके सो नाउ आई लव यू आई डोंट Come on, yeah, I love you. I really want to be with you. क्यों? इतना कोई वेट कर आता है. I mean, if somebody so shy, तुम 4 साल में नहीं बोल पाए. मैं हूँ. मैं ऐसा ही हूँ. Like, अब मैं तुम्हें चाहूँ तो रोकना चाहता हूँ, but रोक नहीं सकता. हाँ के भी कैसे सकते हो बिकॉज आई हैव बीन वेटिंग फॉर 4 इयर्स तो अब तुम इंतजार कर रहे हो ना पागल था मैं ने आसान चीज तो नहीं कहा तू ऐसा कर तू जर्मनी जा आराम से वहाँ रहे मुझे भी तो बैंगलोर जाना है मेरी भी तो जॉब लग गई है फिर उसके बाद क्या फिर उसके बाद वही इंतजार और एलडीआर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तू क्या चाहती है तुझे भगा के ले जाऊं सोचना मी बात मेरा भाई तुम्हें दुनिया से भगा देगा हाँ तेरा भाई इसलिए तो कभी तुझे पहले प्रपोज नहीं किया अब तू ही बता क्या करना है तेरा दिमाग बहुत चलता है सोच रही हूँ 4 साल में प्रपोज किया है इतनी जल्दी इतनी सारी प्लानिंग सही नहीं लग रहा अनरीजनेबल 4 साल मतलब तो क्या तो ऐसी रही जैसे पहले तो तुझे कभी कुछ किया ही नहीं हमेशा सपोर्ट किया तेरा आई वाज योर एज योर साइड ऑल द टाइम सिंस 4 इयर्स कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा हाँ और इस आदित्य से भी तुमने ही बचाया था मुझे हाँ पता है वो अभी भी घूर रहा था तेरी गलती है तू हर किसी से बात क्यों करती है मत किया कर यार चल ठीक है आई विल बी गोइंग देयर मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी तुम्हें वहां बुलाने की यार घर से कॉल आ रही है मैं आती हूँ 2 मिनट में हेलो चाची कॉलेज में हूँ फेयरवेल चल रही है चली जाऊंगी मैं वापस हॉस्टल हाँ आप चिंता मत करो ठीक है बाय क्या है तू आराम के साथ थी मुझे फर्क पड़ता है मुझे मतलब है मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझे आई लव यू यार यू पागल स्टूपिड यू मास्टर आराम I was happy, but Arav is no more. 4 साल से मैं इंतज़ार कर रही थी He finally said,
और मैं बोल भी नहीं पाई. नाउ आई हैव टू लिव जस्ट फॉर फाइट फॉर हिज जस्टिस एंड नथिंग मोर. आई लव यू टू आरव. कर क्या रही है तू? बस सारा दिन फेसबुक. पढ़ना नहीं है तुझे? सब हो रही है, पढ़ भी तो रही हूँ. एक तो इस लड़की ने इतना परेशान कर रखा है मुझे, ऊपर से तू जिसकी सनानी की बात कर रही है. और क्या, बिल्कुल परवाह नहीं है हमारे घर की इज्जत की. सीधी भी तो परसों आ रही है. अरे मेरी बेटी तो समझदार है, पर इस सना का क्या? तेरे बड़े मम्मी पापा तो चले गए, उसे छोड़ गए हैं. अरे आज क्या करो, काम करो, जाओ जाके आराम करो. कैसा आराम, एंगेजमेंट तय हो गई है उसकी, अभी तक तो आई नहीं है वो. अरे आ रही है ना कल, वो पता नहीं कब आएगी. ये इतने टाइम से यहाँ पे हूँ, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया. यार हम भी तो है यार तेरे साथ इतने दिन से. यार मैं फैमिली को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती. यार सर हम कहाँ से इग्नोर करने को कर रहे हैं यार. मैं छोड़ के नहीं जा रही हूँ. आई विल बी बैक, आई एम जस्ट गोइंग फॉर 2 डेज. यार उसके इंसाफ कर, यार उस बंदे के लिए रुक जा यार, एक वीक के लिए रुक जा. ज्योति मैं आऊंगी, आई जस्ट नीड 2 डेज. मेरे को देखना एग्जैक्टली घर पे प्रॉब्लम क्या है. समझा यार ज्योति, रुक जा यार, बस एक वीक के लिए रुकने को बोल रहा हूं. जैसे अपना जब वो बोल रही है कि वो आ जाएगी तो आ जाएगी ना, तो पक्का मैं आ जाऊंगी. जब वो रिस्पॉन्सिबल है वो आ जाएगी. I promise. चल ठीक है यार, अगर तू आ जाती तो, लेकिन सिर्फ 2 दिन, उसके ज्यादा उससे ज्यादा बस 2 दिन. चल ठीक है, चलो चल ठीक है, ठीक से जा. क्या हुआ यहाँ, ऐसे क्यों मुझे बुलाया? आ गई तू? कहाँ थी? समाज में हमारी कितनी बदनामी हो रही है, जरा सा भी अंदाजा है तुझे इस बात का? समाज में सबको पता चल गया है और अखबार दिखा के सब यही पूछ रहे हैं, क्या ये आपके घर की बेटी है? हमें भी इसी सोसाइटी में रहना है. अब वो मर चुका है, क्या जाओ से तुझे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी होगी. क्या कह रहे हो? अब तुझे शादी करनी होगी बस. मुझे शादी नहीं करनी. क्यों नहीं करनी शादी? कब तक जिएगी तो उसकी यादों के सहारे? मैं जी लूंगी अपनी पूरी जिंदगी. बोल देना समाज में हो गई मेरी शादी. मुझे कुछ नहीं पता, तेरी वजह से हमारी बेटी श्री का अच्छा रिश्ता टूट जाएगा. तुम भी खुद कर्ज मत बनो. कर्ज की क्या बात है इसमें? तेरे मेरे माँ बाप नहीं है और अब हम नहीं है. हमें ही तेरी शादी करनी है और तेरी जिंदगी आगे बढ़ानी है. मुझे यहाँ नहीं, चुपचाप से बैठ जा. तेरी शादी तय हो चुकी है और 3 दिन के अंदर तेरी शादी हो जाएगी. मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तू बैठ जा बस. चाची के बहुत ज्यादा हो रहा है. मुझे कुछ नहीं सुनना, चाचा जी ने तेरी शादी तय कर दी है और तू वहीं रहेगी. मैं यहाँ से अब तू कहीं नहीं जाएगी. ज्योति कहाँ है तू? तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? यार मैं कहाँ आके फंस गई हूँ? नहीं कोई काम नहीं था, शादी करनी है ने मेरी, और मुझे बंद करके रख है डॉक्टर. मुझे यहाँ से निकालो कैसे भी प्लीज. बहुत किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं. चाची ये मत करो तुम. मेरी गलती क्या थी? मुझे बस उस इंसान के लिए जस्टिस चाहिए था जिसने मेरे लिए जान दी, और इसमें मेरे घर की इज्जत जा रही थी. क्या इज्जत किसी की जान से ज़्यादा प्यारी होती है? आई एम अ विक्टिम ऑफ ऑनर किलिंग. सैड बट ट्रू, मेरी तरह बहुत से लोग अपनों के हाथों मारे जाते हैं जिनके बारे में पता भी नहीं चलता.